सबका रास्ता बिल्कुल। धन्यवाद। आखिर में इंडिगो की टीम का मानवीय काम में लोगों की कई बार लॉन्च की गई। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अकस्मात के दरमियान या तो मृत्यु के बाद वो अपना सभी और घर या कुछ और। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर के जायसवाल के साथ आज मैं भी मौजूद हूँ नई दिल्ली के एक मानक साहब ऑडिटोरियम में, जहाँ पर एक अंगदान महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे पहुँचे हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और इस प्रोग्राम के बारे में क्या क्या अंदर चल रहे हैं हम आपको अभी बताएंगे। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पोर्टेबिलिटी की दिशा में काम किया, जैसा बताते हुए डॉक्टर मांडविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि अंगदान करने के लिए लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने पोर्टेबिलिटी की दिशा में काम किया है। इसकी आयु सीमा 65 को हटा दिया गया और अंगदान के संबंध में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में ऐसे लोगों की जानकारी है जिन्होंने अंगदान करके दूसरे कई लोगों को जीवन दान दिया है। यह बातें उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली में 13वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, व्यापक तौर पर जागरूकता का अभियान चलाएं। इससे अंगदान करने के प्रति लोगों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में हर साल 2 लाख से ज्यादा अंग की आवश्यकता है, लेकिन उपलब्धता 10% से भी कम है। उन्होंने कहा कि साल 2013 में सालाना 5,000 अंगदान होते थे, जिसकी संख्या 2023 में बढ़कर 15,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि अंगदान के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने की आवश्यकता है। दान, सेवा और दूसरों की मदद हमारी जीवन शैली है। कोरोना में भारत ने दुनिया की मदद कर इसका उदाहरण दिया है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कोशिशों के साथ नागरिकों की भी भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हर राज्य में 2 दिन की चिंतन बैठक होनी चाहिए। राज्य में अंगदान की संख्या कैसे बढ़े, इसके लिए चिकित्सकों, विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ ग्रुप बनाकर चर्चाएं चलनी चाहिए। बैठकों के नतीजों से एक विजन तैयार होना चाहिए। अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों को अंगदान के बारे में बताएं, उन्हें बताएं कि अंगदान कैसे जीवन बचा सकता है। अंगदान करने के लिए स्वयं को रजिस्टर करें। आप अंगदान करने के लिए ऑनलाइन या अपने राज्य के अंगदान रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए अपने समुदाय में काम करें। आप अपने समुदाय में अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अंगदान समूह या संगठन शुरू कर सकते हैं। अंगदान एक महान उपहार है जो आप दूसरों को दे सकते हैं। अंगदान करके आप किसी के जीवन को बचा सकते हैं।
आज का अवसर, आज का दिन मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना, नॉट ओनली फॉर ऑर्गन डोनर बट जिसको ऑर्गन दिया गया है, रिसिपिएंट से लेके सारी श्रृंखला में जिन्होंने मदद की है। मैं जब यहाँ पुरस्कार दे रहा था, सम्मानित कर रहा था, तो पुलिस को भी सम्मानित किया गया, एयरलाइंस को भी सम्मानित किया गया, एनजीओ को भी सम्मानित किया गया, प्रचार प्रसार करने वालों को भी सम्मानित किया गया। जरूरी है दोस्तों, जो कुछ अच्छा करते हैं उसको सम्मानित करने से उसका स्वयं का हौसला तो बढ़ता ही है, लेकिन उसको देख के अन्य लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए सभी जिसका सम्मान किया गया है, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मेरे ओर से सराहना भी करता हूं। मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है और उसके साथ यस्टरडे आज के कार्यक्रम का ब्रीफिंग मुझे दिया जा रहा था, तो मुझे बता रहे थे कि 2013 में 5,000 प्रतिवर्ष ऑर्गन डोनेशन होता था, आज वो 15,000 हुआ। साथ में वो ही बता रहे थे कि आज टेंटेटिव 2,00,000 ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है प्रतिवर्ष, लेकिन उपलब्धता कम है। मुझे ऐसा लगा कि कुछ हमारी कमी होगी, क्योंकि ये देश की सोसाइटी, ये देश के जनमानस, ये देश की जीवन शैली, ये देश की सामाजिक व्यवस्था, उसकी कभी कमी नहीं हो सकती है। यहां दधीचि का उल्लेख किया गया, दान करना, सेवा करना, ये भारतीयों का संस्कार है। दूसरे को मदद करना, ये हमारी जीवन शैली है, और यही जीवन शैली ने दोस्तों दुनिया में कोविड क्राइसिस के दरमियान भारत का नाम बना दिया। मुझे भली भांति पता है, मैं दुनिया के साथ कोविड के दरमियान बात करता था, मीटिंग करता था, उसमें डेवलप्ड कंट्री भी होते थे, अफ्रीकन कंट्रीज भी होते थे, सीआईएस कंट्रीज भी होते थे, और उस वक्त जब बात होती थी तो कहते थे कि हमारे यहां डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहा है, हमारे यहां नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही है, लॉकडाउन में एजिटेशन हो रहा है और देश बहुत दिक्कत में था, वहां हेल्थ प्रोफेशन था। दोस्तों, ये देश के लिए हेल्थ सेवा है, ये प्रोफेशन नहीं है। दूसरे को मदद करना ये हमारा स्वभाव है, और इसलिए यहां हमने ये भी देखा कई डॉक्टर ने अपना प्राण गवा दिया, कई नर्स ने, पैरामेडिक स्टाफ ने अपनी ड्यूटी देते हुए अपना प्राण गवा दिया, लेकिन अपना दायित्व से पीछे नहीं हटे और देश को बचा लिया। ये हमारा संस्कार है, हमारा ये भी संस्कार है। दोस्तों, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 1.4 140 करोड़ की जनसंख्या। ये देश में गरीब लोग भी हैं, जो एक दिन की कमाई करके एक दिन खाने वाले लोगों की संख्या भी है, महीने की कमाई करके महीने भर का चलने वाले लोग भी है, 6 महीने का जिसके पास सुविधा हो ऐसे लोग भी है, और उसकी संख्या बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में ये देश की विविधता को देखो, ये देश के परोपकार भाव को देखो। 1.5 महीने तक लॉकडाउन था, सरकार ने अपनी ओर से हो सका इतना सरकार ने किया, कॉरपोरेट सेक्टर से हो सके इतना कॉरपोरेट सेक्टर ने किया, एनजीओ ने जितना सहयोग हो सके इतना एनजीओ ने सहयोग किया, लेकिन हमने भी, देश के हर नागरिक ने, हर फैमिली ने अपने घर के नजदीक कोई भूखे नहीं सोए है ना,
उसका ख्याल भी हमने रखा ताकि देश कोविड के सामने अच्छी तरह से लड़ पाया। इस संस्कार को निर्वहन करने वाले लोग हम हैं। इस संस्कार का निर्वहन जब हम कर रहे हैं तब हमारे देश में दूसरे लोगों को जीवन देने के लिए हम आगे ना आए ऐसा नहीं होगा। मेरा मानना है का या तो कुछ रूल्स रेगुलेशन या गवर्नमेंट के एफर्ट में कुछ कमी होगी, या तो हम इतना पब्लिक अवेयरनेस नहीं कर पाए होंगे, या तो कोई ना कोई ऐसा रीजन है जो हम सब लोगों को साथ में बैठ के उसके पर अध्ययन करने की आवश्यकता है, उसको आइडेंटिफाई करना है क्या कमी है ताकि देश की भावना इतनी मजबूत होने के बावजूद भी ऑर्गन डोनेशन की रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों एक ऐसा अवसर है, हम व्यक्ति चाहे कि मुझे हजारों साल तक या तो मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहना है, नहीं रह सकते। कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, उसकी सुवास रहती है कई बार, उसका नाम रहता है कई बार, बट ये स्वयं व्यक्ति दुनिया को नहीं देखते हैं, नहीं समझ सकते हैं, या तो दुनिया को भली भांति अनुभव नहीं कर सकते। दोस्तों कितना बड़ा अवसर है, आप सोच सकते हो। व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अपनी आंख से देखना चाहते हैं, आपकी आंख का डोनेशन दे दो, आपकी आई को डोनेट कर दो, आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी आंख से जिसको आपने डोनेट किया है वो व्यक्ति दुनिया को देखते रहेंगे। दोस्तों इससे बड़ा अवसर कौन हो सकता है। आप दूसरे के हृदय में जाके दबकते रहेंगे, आप कभी नहीं दबकेंगे, लेकिन आपने आपका हार्ट का डोनेशन कर दिया, हार्ट डोनेट कर दिया, दूसरे व्यक्ति के शरीर में आप दबकते रहेंगे। आप केवल दबकेंगे नहीं, उसको जिंदा रखेंगे। आप केवल उसको जिंदा रख रहे हैं, उसका मतलब यह है कि व्यक्ति के परिवार को आप बहुत बड़ी सौगात दे रहे हो। दोस्तों उससे बड़ा अवसर कौन हो सकता है। और इसलिए आने वाले दिनों में हमें हमारा परोपकार भाव को उजागर करने के लिए प्रयास करना है। हमें दूसरे के द्वारा जिंदा रहना है, हमें दूसरे के दिल में धड़कन लाना है। हम नए होने के बावजूद भी हम हमारी आंखों से दुनिया को हमें देखना है। दोस्तों ये करने के लिए सरकार की ओर से तो प्रयास हो रहा है। पिछले कई महीनों से मैं लगातार इस विषय के पीछे लगा। हमने तय किया एक एक विषय आइडेंटिफाई करके क्या करने की आवश्यकता है। पहले पोर्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेट बाय स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऑर्गन को ट्रांसफर करना था, दिक्कत थी, उसको पोर्टेबिलिटी दे दिया है। 65 एज की लिमिटेशन थी, उसको रिमूव कर दिया है। आज ऑर्गन डोनेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हम क्यों न व्यापक तौर पर सारे देश में एक अवेयरनेस का अभियान चलाए। हम प्रयास करें, एक बार पोर्टल पर जाके देखिए कौन किसने प्रयास किया, उसका भी उल्लेख हो। इंडिविजुअल व्यक्ति आके जाके स्वयं मैं ऑर्गन डोनेट करता हूं, सारी बॉडी का करता हूं, लीवर का करता हूं, हार्ट का करता हूं, डिसीज्ड के बाद, मृत्यु के बाद, या तो कोई अकस्मात की स्थिति में, जिस तरह से आप ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं वो आप पोर्टल पर पहले से ही नामांकन कर सकते हो। हमने ये भी सुनिश्चित किया है दोस्तों, जो गवर्नमेंट जॉब में थे, जब ऑर्गन किसको दिया हो या तो ऑर्गन लिया हो तो उसको 30 डेज की छुट्टी मिलती थी। तो हमें बताया गया कि और ज्यादा दिन की आवश्यकता है, 60 दिन की आवश्यकता है, तो हमने सरकार की ओर से 60 डेज कर लिया। मैं मानता हूं कि अब बहुत कम है, अब भी बहुत कुछ करने की संभावना होगी। हमें भी सीखना है, हमें सिखाने की जिम्मेवारी आपकी भी है। यहां कई एनजीओ बैठे हैं, कई लोग जो ऑर्गन डोनेशन सेक्टर में काम करने वाले लोग बैठे हैं, ऑर्गन डोनेट करने वाले लोग बैठे हैं, ऑर्गन लेने वाले लोग बैठे हैं। क्या हम हर राज्य में 2 दिन की सोटों के द्वारा
दो दिन की तीन दिन की एक चिंतन बैठक करें, उसमें विषय रखें कि भाई एक विषय हो कि हमारे राज्य में ऑर्गन डोनेशन कैसे बढ़े, हमारे राज्य में ऑर्गन डोनेशन के लिए क्या दिक्कत है, हमारे राज्य में ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रचार प्रसार कैसे करना चाहिए, हमारे राज्य में ऑर्गन डोनेशन के लिए हमारे डॉक्टर्स है उसको ट्रेनिंग के लिए क्या करना चाहिए। 15-20 मिनट का प्रेजेंटेशन हो, चार पांच लोगों का एक ग्रुप बने, ग्रुप बना के वो प्रेजेंटेशन करे, एक घंटे तक उसके ऊपर डिस्कशन चले, ऐसा एक दिन में 3-4 सेशन हो, दूसरे दिन 3-4 सेशन हो, तीसरे दिन 3-4 सेशन हो। मैं मानता हूं कि इस टाइप का ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सभी स्टेट में ऐसा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग चिंतन बैठक हो, उसका जो आउटपुट निकले उसको कंपाइल करके सेंट्रल में सरकार और सोटो बैठे, उसके पर सेंट्रल में एक चिंतन बैठक हो और उसके बाद एक होलिस्टिक 10 साल 15 साल 20 साल का विजन तैयार हो। दोस्तों हम हमारी रिक्वायरमेंट तो ठीक है, हम हमारी देश की जरूरत तो पूरा करेंगे, लेकिन हम स्वभाव से वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर काम करने वाले लोग। हम आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, आज हील इन इंडिया के तहत सारी दुनिया चिकित्सा के लिए ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आ रही है। दोस्तों हम दुनिया को भी मदद करने का सामर्थ्य रखने वाले लोग, हम सामर्थ्यवान लोग हैं दोस्तों। हम हेल्थ सेक्टर में दुनिया को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, ऐसी क्षमता हमारे में। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर और क्षमता की कभी कमी नहीं थी, सवाल केवल इतना ही है उसको हवा देने की आवश्यकता होती है, उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, उसको चैनलाइज करने की आवश्यकता होती है, उस काम से जुड़े हुए लोगों का हौसला बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और वो कहे वो रास्ते से आगे चल पड़ो, ये देश में रास्ते ढूंढने वाले लोगों की कमी नहीं है दोस्तों। और इसलिए आज ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर जिस लोगों ने ऑर्गन डोनेट किया है उसका मैं तहे दिल से सारे देश की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो छोटा काम नहीं, उसका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, नेशन के प्रति अपना दायित्व अदा किया है, दूसरे लोगों को जीवन दिया है। उससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता, उससे बड़ा बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। जिन्होंने ऑर्गन लिया है ऐसे रिसिपिएंट लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रचार प्रसार के काम में जुड़िए, जो कार्य योजना बनती है उसका इंप्लीमेंटेशन में लगिए। आप ऐसा एहसास करो कि मुझे ऑर्गन डोनेशन नहीं हुआ होता, मेरे लिए मुझे ऑर्गन नहीं मिला होता तो मैं क्या होता। कई लोग ना भी होते, कई लोग में कोई कमी होती। मैं पूर्ण रूप में काम कर रहा हूं, मेरे देश के किसी ने मेरे लिए कुछ दिया है। डोनेशन रजिस्ट्री लॉन्च की गई, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अकस्मात के दरमियान या तो मृत्यु के बाद वो अपना सभी ऑर्गन या कुछ डोनेट करना चाहे तो ये रजिस्ट्री पर आके अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, ताकि एक सेंट्रल रजिस्ट्री के द्वारा कौन व्यक्ति कौन से ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हैं उसकी सूची भी रहेगी और सभी को पता भी चलेगा। गरीब को मदद करना ये मोदी जी की रीति नीति कार्य पद्धति रही है, और इसलिए गरीब भी नागरिक करने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास किया उसको दुनिया सराह रही है। मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी की गरीबों के प्रति नीति रही देश से। संविधान एक विश्व में सबसे बड़ा दान है, तो दूसरे को दृष्टि देता है, दूसरे को हार्ट देता है, दूसरे को जीवन देता है। और भारत जैसे देश में जिसमें सेवा परमो धर्मो
का स्लोगन बोला जाता है जो हमारे शास्त्रों ने हमें दिया है, उसको आगे बढ़ाते हुए देश में ऑर्गन डोनेशन के लिए जागरूकता बढ़ी। ऑर्गन डोनेशन के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाए और उसके लिए जो कानूनी प्रावधान करने की आवश्यकता हो ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। साथ में आज ऑर्गन डोनेशन दिन के अवसर पर एक ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्री लॉन्च की गई। ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्री पर देश के कोई भी नागरिक अपना समग्र ऑर्गन या तो हार्ट, लिवर, किडनी जो भी डोनेट करना चाहते हैं उसके लिए वो वहाँ रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये रजिस्ट्री सेंट्रल रजिस्ट्री होगी, सभी को पता रहेगा कौन अपने ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हैं। निडी व्यक्ति को मदद करना चाहता है एक सेंट्रल रजिस्ट्री के द्वारा वो सूचीबद्ध रहेगा। मैं मानता हूँ कि ये अभियान सफल होगा। देश के बहुत लोग इस रजिस्ट्री पे जाके रजिस्ट्रेशन कराएगा और मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ कि देश में ऑर्गन डोनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए एनजीओ आगे आए, सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है, इंडिविजुअल भी आगे आए और ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्री में लोग रजिस्टर करवाएं, उसके लिए उसको प्रोत्साहित करता हो या तो विदेश में गए हो और उस वक्त उसका कई बार सडन उसका मृत्यु हो जाता है और उसकी डेड बॉडी देश में लाने की आवश्यकता हो, उस वक्त क्या कौन सी परमिशन लेना है, कौन सा कागजात करना है, ये सामान्य नागरिक को पता नहीं होता है। तो हमने ई केयर के द्वारा कोई भी एयरपोर्ट पर, इंडिविजुअल एयरपोर्ट पर किसी को एप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक सेक्रेटरीट बैठेगा और दिल्ली एयरपोर्ट के हेल्थ ऑफिसर ही कहां से भी एप्लीकेशन आए तो वहां वो अप्रूवल दे देंगे, सभी कोर्ट को सूचित कर देंगे। इट्स वन टाइप ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम हो जाएगी, उससे दुनिया में भारतीय नागरिक का कोई भी जगह पे मृत्यु हुआ हो और देश में लाना हो उस वक्त सुविधा सरल हो जाएगी, स्पीडी हो जाएगी और लोगों को दिक्कत नहीं रहेगी, इसलिए ई केयर पोर्टल उसमें सहयोग आयोजन किया गया था। ये आज जो है ये तेरहवा भारतीय अंगदान दिवस था जिसपे कि ये एक अंगदान महोत्सव करके हम लोग मना रहे हैं पिछले एक डेढ़ महीने से। उसमें जुलाई महीने में हमने अंगदान पूरा माह मनाया था और ये अंगदान आज के दिन जो है अंगदान दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि 3 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया कि ये जब हमारा लॉ पास हुआ था 1994 में, उसके बाद जो पहली बार ट्रांसप्लांट हुआ था, डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट हुआ था, जो पहली बार जो मृत्यु के बाद जो अंग प्रत्यारोपण, तो पहली बार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर 3 अगस्त को हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। तो उसको जो है कोमेमोरेट करने के लिए या उसको हम याद करते हुए इस अंगदान दिवस को मनाते हैं। तो जी लोग कैसे प्रेरित कर पाते हैं अंगदान करने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। हाँ नहीं, मुश्किल तो है, लेकिन हमें बेसिकली जो लोग जिनकी एक्सीडेंट में हो जाता है या जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं एक्सीडेंट वगैरह के थ्रू, तो उनका जो है हमें अंगदान, अगर वो उनका परिवार आगे आ जाता है, क्योंकि जब ब्रेन स्टेम डेड हो जाता है तो हार्ट के रुकने में और ब्रेन स्टेम डेड होने के बीच में जो टाइम होता है, अगर उसमें परिवार अगर चाहे तो उनके जो सारे अंग जो सफल रूप से काम कर रहे हैं उनको दान किए जा सकते हैं। अभी तक आपके कितने दान कर चुके हैं आपके? देखिए अंगदान जो है हमारे देश में जो प्रत्यारोपण है, जो ट्रांसप्लांटेशन है जी, 2013 से अगर हम काउंट करते हैं तो 2013 से पहले हम 5,000 कर पाते थे पूरे साल में, और 2013 से अभी हम 16,041 कर पाए हैं पिछले साल। तो और अंगदाताओं की जो मृत्यु के बाद जो दर है, पिछले साल में 941 लोगों ने पूरे कंट्री में अंगदान किए अपने, तो लेकिन क्योंकि इतना बड़ा देश है और सिर्फ 941 ही अंगदाता है, तो इसके बारे में जागरूकता सभी को होनी चाहिए।
और सभी को ये इच्छा आगे जाहिर करनी चाहिए कि हम अंगदान करेंगे। तो उसके लिए रजिस्ट्री का आज विमोचन किया गया है कि आप अंगदान के और बहुत सारे कार्यक्रम के पाठों का भी विमोचन किया गया। तो अंगदाताओं के लिए एक ये है कि हम अपनी इच्छा जाहिर करें और अंगदान करें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।